हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के ये देखो पकोड़े। और यहाँ पे मुझसे गिरे ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैं आज आलू वाले पकोड़े बना रही थी क्योंकि तीर्था को जो है लंच में अपने ले जाना था। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला, फिर पानी डाला। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करते समय ये देखो मेरे से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया ताकि वो अच्छा हो जाए। और उसके बाद फिर तेल गरम किया और फटाफट से जो हमारे आलू के चिप्स जो थे पकोड़े, वो मैंने फ्राई कर दिए। तो फटाफट फ्राई करते करते हो जाएंगे रेडी। और सुबह का टाइम होता है, फटाफट से सब कुछ करना पड़ता है। ये पूरा व्लॉग में भी आएगा। अगर आपको व्लॉग देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाए और व्लॉग भी ज़रूर देखना। नेक्स्ट डे जो है वो उसका इसका भी व्लॉग आएगा और एक बहुत ही अच्छा अच्छा व्लॉग भी आने वाले हैं। तो आज का जो ये लंच है पकौड़े आलू के, वो आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करिए। तो एक छोटी सी रेसिपी है, शॉर्ट्स में आपको पसंद आ रही है या नहीं वो भी ज़रूर बताइए। चलो अभी नेक्स्ट जो है वो मैं बेसन का चीला है वो भी लेकर आऊँगी। और एक जो है वो ब्रेड नहीं सैंडविच लेकर आने वाली हूँ, ग्रीन चिली वाली हमने बनाई थी मम्मी के घर पे, तो उसकी भी रेसिपी शूट की है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो आज के ये आलू के पकौड़े आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय।